ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स प्रीटी गुड। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्म हार्टेडली वेलकम यू ऑल टू आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2। मेरा नाम निदा असलम है और आप सब मेरे नाम से ऑलरेडी वाकिफ होंगे बिकॉज आई वॉज द वन जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी फॉर आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट ए मैसिव रिस्पॉन्स। तकरीबन हमें 1500 से 2000 तक एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई थी, जिसमें से आप वो लकी लोग हैं जो कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए। बिकॉज हमारी कोशिश थी कि हम जितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं उतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करें ताकि वो लोग इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सबसे पहले मेरे तारुफ की बात की जाए तो मेरा तारुफ ये है कि मैंने अमेजोन की जर्नी जो है वो आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले स्टार्ट की थी। और स्टार्ट मैंने भी पीएल से ही लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली होलसेल मॉडल में, तो फिर हमने होलसेल मॉडल को ही आगे फर्दर कंटिन्यू किया। अगर मैं बात करूं कि एक यूवर्स क्या है, तो एक यूवर्स जो है बेसिकली ये एक ऑनलाइन एजेंसी है। ठीक है, और मैं और सरफान जो है वो इसके फाउंडर्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ मैम हुरवा होती हैं। बैकएंड पे हमारी तकरीबन 20 से 25 लोगों की टीम है। ठीक है, यूएसए मार्केट में होलसेल एंड आर्बिट्राज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और ओनली स्पेसिफिकली हम यूएसए मार्केट में काम करते हैं। बैकएंड में जो है वो हमारे अकाउंट्स वगैरह चल रहे होते हैं, टीम है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा गया है, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग ये सेशन रखते हैं हमेशा अपने बैच को स्टार्ट करने से पहले, तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम इसके अंदर जो है वो ये बताएं कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या करवाया जाने वाला है, आपको क्या क्या हासिल होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या हम करवाने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि हमें आप लोगों से इसके बदले में क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग इस इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज तो ये है कि बड़ी ही कॉमन सी बात है, इंसानी नफ्सियात है, कि आप सबके दिमाग में 90 से 95% लोग जो हैं वो इनके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर हम लोग ये इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशिप भी है, इसके अलावा हमारा कोर्स का बैच भी चल रहा होता है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं, आखिर आखिर इसके पीछे जो है वो पर्पस क्या है। तो इसका जवाब जो है वो मैं आगे जाके दूंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम ये बात करते हैं कि बेसिकली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को क्या क्या करवाया जाने वाला है और कैसे ये बाकी सारे कोर्सेज से जो है वो मुख्तलिफ होने वाली है। ठीक है, अब देखें, आप लोगों में से मेजोरिटी 90 से 95% लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सब जो है वो पीएल का कोर्स करके आए हुए होंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि जब हमने भी कोर्स किया था तो हमें पीएल ही करवाया गया था। ठीक है, आप पीएल करते हैं और आखिर में जो है वो आपकी 2 होलसेल की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर जो है वो कोई एज सच प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करवाया जाता। लेकिन जब आप पीएल करने के बाद मार्केट में आते हैं तो आपको पता लगता है कि पीएल का क्लाइंट ही नहीं है। ठीक है, और अगर पीएल का क्लाइंट है तो आपको उससे डील नहीं करना आता। अब सबसे बुनियादी वजह कि क्यों आप जब कोर्स करके आते हो और उसके बाद आपको पीएल का क्लाइंट नहीं मिलता, देखिए सबसे बड़ा और वाजे जो यहाँ पे वाजे बात है वो ये है कि पीएल का जो मॉडल है उसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो आखिर क्यों एक बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनफ नॉलेज नहीं होती, आपको ये नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता कि आपने क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, आपने उसके सामने बिजनेस पोर्टफोलियो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको कन्विंस करना है, तो फिर आप इस चीज की अश्योरिटी कैसे दे सकते हो कि आपको जो है वो क्लाइंट मिल जाएगा। आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कोर्सेस करके आए हुए हैं और उन्होंने पीएल का कोर्स जो है वो किया है और वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि जब आप कोर्स करके बाहर आते हो तो आपको कितने ही पीएल के क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो होलसेल मॉडल की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे टॉप मॉडल जो अमेजोन के ऊपर चल रहा है वो फर्स्ट नंबर पे होलसेल ही है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी इंटर्नशिप होने वाली है, ये जो इंटर्नशिप आप करेंगे इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से ये मुख्तलिफ होने वाली है, तो कुछ मेन मेन बातें जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज वो होगी कम्प्लीटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, पर्पस भी यही है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कोर्सेज वगैरह करके आए हुए हैं, चीजें आपको पता है। इसको हमने डिजाइन बेसिकली इस तरीके से किया है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा आप में से, ठीक है, जिसने होलसेल के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसको एटलीस्ट अगर ये पता है
कि एसिन क्या होता है, अमेजोन क्या होता है, पीएसआर क्या होता है, ठीक है, ये सारी बेसिक्स अगर उसको पता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक बातें अगर उसको पता है और वो इस इंटर्नशिप को कंप्लीट तरीके से मुकम्मल करता है, लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक करता है, तो आई मेक श्योर कि इसके बाद आप लोग जो है वो होलसेल के क्लाइंट को या उसके अकाउंट को आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये बेसिकली जाएगी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक, ठीक है। इसको प्रॉपर लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, हमने जब इसको बनाया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे माइंड में ये चीज थी कि एक स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से सोचता है, और हमने होलसेल मॉडल को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डिजाइन किया है, तो उसको हमने आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने की ये जो इंटर्नशिप है, अगर आप ये कंप्लीट तरीके से करते हैं, अपने मेंटोर की गाइडेंस के साथ चलते हैं, जो वो असाइनमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे आप वो करते हैं, तो इसके बाद आप में से 98 to 99% लोग वो होंगे जिनका हर चीज होलसेल मॉडल का हैंड्स ऑन के साथ जब कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसमें हैंड्स ऑन से मेरी क्या मुराद है, जब हम बात करते हैं ना होलसेल मॉडल की, ठीक है, आप लोगों ने कम से कम इतना तो सुना ही होगा कि होलसेल के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है ना वो समझी जाती है। तो अब होलसेल मॉडल के अंदर कॉल्स करना ये सबसे मेन चीज है, ठीक है, हम कहते हैं ना सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से होलसेल मॉडल का जो सेंटर है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स वगैरह के साथ कॉल करना, उनसे अप्रूवल लेना, ठीक है। और आपको कॉलिंग किस तरीके से करनी होती है, किस तरीके से बात की जाती है, क्या क्या सवालात पूछने होते हैं, अगर आपने ईमेल करनी है तो उसका क्या टेम्पलेट होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपसे करवाई जाएगी, ठीक है। अभी हमारा जो बैच 1 ऑनगोइंग चल रहा है, इस वक्त जो उनका असाइनमेंट था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स की लिस्ट रेडी कर ली है, एंड नेक्स्ट हफ्ते में इंशाल्लाह उन्होंने कॉलिंग स्टार्ट करनी है, जो मैं उनसे करवाऊंगी, उनके Q&A वगैरह लूंगी, ये सब कुछ। इसके अलावा इन डेप्थ प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है, वो सब कुछ आपको करवाया जाएगा, कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि जब आप वो करते हैं ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास कंपनी डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब वो कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा होता, तो वो चीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि इस इंटर्नशिप के अंदर कंप्लीटली हैंड्स ऑन होने वाला है, फिर वो चाहे प्रोडक्ट एनालिसिस से लेके ब्रांड अप्रूवल तक हो, शिपमेंट प्लान बनाना हो, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज जो है वो आपको हैंड्स के तौर पे करवाई जाएगी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, ठीक है, तो आपको पता है ऑलरेडी कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो इस टाइम पे अमेजोन का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो है वो दोनों की दोनों ब्रांचेज और आप कह लें कि इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, लेकिन सबका अलमिया जो है ना वो यही है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो सबसे मेन चीज मिलने वाली है वो प्रैक्टिकल है, जब आप लोगों का भी आहिस्ता आहिस्ता प्रीवियस बैच से भी कॉन्टेक्ट होगा तो आप लोगों को इन चीजों का भी आइडिया हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके जहन में होगा कि हम लोग जो है वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं, तो अच्छा, इसका जवाब देने से पहले एक दो बातें मेरे और जहन में आ गई हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है अर्निंग पोटेंशियल का, क्योंकि मैं नीचे क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों के जहन में एक चीज ये होगी कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना है, या इसके अंदर सच्चाई कितनी है, क्या ये जो बोला जाता है कि अमेजोन से आप इतना पैसा कमा सकते हो, इसके अंदर सच्चाई भी है, या वाकई वो जो मंचन सेलिंग वाली चीज है वो ही हो रहा है, मंचन बेचा जा रहा है, हमसे पैसे लिए जाते हैं, हमें कोर्स करवा दिया जाता है और उसके बाद हमारी अर्निंग नहीं हो रही होती है। तो यस, अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल है, और ये मैं आपको अपने एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अर्निंग के फेज तक पहुंचने के लिए आपको पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसके आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, 6-7 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिला था, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, हमारा अच्छा खासा बड़ा बैच था 40-50 का, और सब आहिस्ता 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 डिसहार्ट हो गए, छोड़ गए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि कामयाबी सिर्फ उसी को मिली है जो कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है, जिसने अपनी एफर्ट्स जो है ना वो कम नहीं की है, तो वो जाके कामयाब हुआ। और उस टाइम पे जो मुझे पहला क्लाइंट अपना मिला था, उसने मुझे तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 65 to 70,000 इतना मुझे पे किया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक अर्निंग पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर कितना है, लाइक अगर आप इसको एक एवरेज जॉब के साथ कंपेयर करो, ठीक है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद जितनी अच्छी आपने डिग्री की भी हो, ठीक है, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 20,000 25,000 इस तरह की जॉब जो है वो आपको मिलती है, फ्री में आपको जो है वो इंटर्नशिप्स करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो अर्निंग पोटेंशियल वाला पॉइंट जो है वो तो इसके अंदर है। अब अगर हम बात करें कि एक और चीज,
वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग फीमेल्स हैं, मैं खुद एक फीमेल हूँ, ठीक है, तो आप सबसे मुखातिब होकर मैं ये बात करूंगी। मुझे इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर एक औरत की जो एवरेज लाइफ होती है वो किस तरीके से गुजर रही होती है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारी जो है वो स्टूडेंट्स होंगी, बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी, बहुत सारी जो है वो वर्किंग वुमेन होंगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आप लोग यहाँ पे हैं तो आपके अंदर एक चीज ये है कि आपने जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी और वो चीज आपने माननी है वो ये है कि यू ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। आप सब दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आप उस भीड़ से मुख्तलिफ हैं। अब उसकी वजह क्या है, देखें सबसे पहली चीज जो होती है ना मुख्तलिफ दिखने के लिए या दूसरों से मुख्तलिफ होने के लिए, वो होता है मुख्तलिफ सोचना, ठीक है। अगर आज आप लोग यहाँ पे हैं इसका मतलब ये है कि आप सबके अंदर वो स्पार्क है, ठीक है, वो एक लगन है कि आपने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनके 2-3 बच्चे होंगे, ठीक है, हाउस वाइव्स हैं, ठीक है, होम मेकर्स हैं, उसके बावजूद अगर वो टाइम निकाल रही है इस टाइम पे, ये पीक टाइम होता है आपके घर के, देयर आर सो मेनी डोमेस्टिक कोर्स, आप उसको छोड़ कि अगर इस टाइम पे ये मेरी बातें सुन रही हैं या लेक्चर अटेंड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग इन यू, ठीक है, जो बाकी सबसे अलग है, जो आपको बाकी सबसे अलग करती है। अगर आप फेसबुक के ऊपर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको यूज कर रही हैं, ठीक है, और उनके अंदर अगर आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स में हैं, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज को देखती हैं और अपॉर्चुनिटीज को देखने के बाद जो है वो उनको अवेल करती हैं, ठीक है, आज आप सब यहाँ पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कामयाबी का जो एक सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मुख्तलिफ सोचना, और आप सब उस चीज को पार कर चुकी, ठीक है, आप सब एक स्टेप बाकी सब लोगों से अलग हैं। तो अब किस तरीके से आपने एंड पॉइंट पे पहुंचना है, कामयाब होना है, ये चीज अगले जितने स्टेप्स हैं वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करते हैं, आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आपको गाइडलाइंस बताई जाएंगी उनको आप कितना फॉलो करते हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आप सब मुख्तलिफ हैं, आप सब एक स्टेप आगे हैं, ठीक है, आप लोगों की ये सोच है, आपने कुछ करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आज आप इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग बिल्कुल जीरो पे तो है नहीं, ठीक है, एक स्टेप आपका हो चुका है। और इंशाल्लाह इस इंटर्नशिप को करने के बाद आई एम डैम श्योर, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं ही आप लोगों को आगे डील करने वाली हूँ, तो जिस दिन ये इंटर्नशिप खत्म होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से मेजोरिटी लोग मुझे यही बोल रहे होंगे कि मैम अब हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग जो है वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एक और लैकिंग पॉइंट जब आपने कोर्स वगैरह किया होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बताया गया होगा कि आपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना होता है, आपने उसके साथ बात कैसे करनी होती है, उसको कन्विंस कैसे करना होता है। दो कि आप ऑनलाइन उससे बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी जूम पे मीटिंग हो रही है, आप फेस नहीं दिखा रहे, आप सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना जिसके थ्रू सामने वाला आपके ऊपर यकीन कर रहा होता है कि हाँ जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक है। पहली चीज होती है नॉलेज, दूसरी चीज होती है स्पीकिंग स्किल्स के आप उसको डिलीवर किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। इल्म सबके पास होता है लेकिन डिलीवर करना सबको नहीं आता, तो इस फील्ड में स्पेसिफिकली आपने क्लाइंट के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बात करनी है, उसको इवन मैसेज भी किस तरीके से लिखना है, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा लेक्चर होगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आज तक अगर मुझे क्लाइंट्स मिले हैं तो वो किस तरीके से मिले हैं। मैंने सारे क्लाइंट्स फेसबुक से लिए हैं, ना मेरी लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनाई है, बट इतना कोई नहीं, ना मैंने अपवर्क पे कभी मैं गई हूँ, ना फाइवर पे गई हूँ, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं ये अब, ठीक है, फेसबुक से आपको आराम से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटर्नशिप का पार्ट हैं, और ये आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मालूम होता रहेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे स्टेप वाइज मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगी, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने आपको कहा कि आप सबके जहन में होगा कि आखिर क्यों हम लोग जो है वो करवाने वाले हैं फ्री कोर्स, ठीक है। अभी मेरे यहाँ से जो है वो एक सवाल भी गुजरा, किसी ने पूछा कि मैम आप फ्री में क्यों करवा रही हैं, देयर वाज अ गर्ल जिसका यहाँ पे मैसेज पॉपअप हुआ था। तो इसके लिए जो है ना वो, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ऑब्वियस सी बात है जब भी इंट्रो होता है तो सबके जहन में ये क्वेश्चन होता ही है, तो फिर वहाँ पे बताना पड़ता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि बेसिकली हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग, ठीक है, हमारा जब स्ट्रगलिंग फेज था और कोई हैंड्स ऑन नहीं था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी, क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उस टाइम पे हमें इसी तरीके से एक फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम की पोस्ट हमें दिखी थी, ठीक है, और हमने जो है वो उसके अंदर अप्लाई किया था, मैं हो गई, मेरे टीम मेंबर्स हो गए जिन जिनसे मैं मुखातिब हूँ इस वक्त हम के वर्ल्ड में। तो हम लोगों ने उन सर की जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया,
उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, होलसेल मॉडल उन्होंने सिखाया, ठीक है। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो ऑब्वियसली बात है उन्हीं के मर होने में ना था सब कुछ, ठीक है। उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब उन्होंने जो हमसे डिमांड की थी, ठीक है, कि मैं आपको अगर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो इसके बदले मुझे आपसे क्या चाहिए, तो उन्हें जो हमसे चाहिए था वो ये प्रॉमिस था, ये वादा था कि जिस दिन हम लोग कामयाब होंगे, ठीक है, उस दिन हम लोग किसी तरीके से आगे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। सही है, ये उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन आपने भी इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना है, क्योंकि पैसे लेके करवाने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आपने उन सबसे डिफरेंट बनना है। और ये वही चीज थी कि वो चेंज जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ये चीज, जब हम लोग अभी सक्सेसफुल हुए हैं, ऑब्वियसली ये हेक्टिक रूटीन होती है, इट्स नॉट ईजी, अगर आपको पता लगे कि इतने सारे लोगों को पहले इंटर्नशिप अनाउंस करना, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करना, फिर उनके ग्रुपिंग करना, मेल्स की अलग, फीमेल्स की अलग, ठीक है, से सब कुछ होता है, फिर ऑन टाइम रिकॉर्डिंग्स देना, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। पूरी चीज डिसाइड करने के बाद हमने जब वो स्टार्ट लिया, और ये एक बेसिक पर्पस था जो उन्होंने हमसे वादा लिया, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से कर सकें। और अब अगर बात आती है कि हमें आपसे क्या चाहिए, ठीक है, या मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मुझे आपसे कोई ब्रांड अप्रूवल्स नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे आप लोगों से यही वाला एक वादा चाहिए कि जिस वक्त आप लोग कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग भी यही करें, ठीक है, भले इस लेवल पे ना करें, एक दो को भी अगर आप अपने साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, एज एन इंटर्न ही जोड़ रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनकी अर्निंग का बाइस बन रहे हो, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। वो एक रियल कामयाबी होगी मेरे लिए जिस दिन आप लोग ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉमिस चाहिए इस इंटर्नशिप के बदले में, मुझे और आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने यही करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे और ये चेंज जो है वो नहीं रुकेगी। और दूसरी बात वही है कि करने के लिए आपकी नियत होनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी आप चाहें तो कोई भी बंदा है जो किसी भी वजह से इंटर्नशिप में इनरोल नहीं कर पाया है, या कोई भी और रीजन हो सकती है, वो कोर्स नहीं कर सकता है, कोई भी रीजन है, ठीक है, अगर आप एक भी बंदे को ये चीजें आगे फर्दर फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे डिलीवर कर रहे हो, तो वो सारी चीजें ही क्या है कि आप इस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स जो पैसे से ऊपर होती हैं, पैसे आ जाते हैं। मैं आज आप लोगों को जो है वो पेड कोर्सेस की ऑफर्स आती हैं, पेड कोर्सेस करवाना शुरू कर दूं, ठीक है, क्योंकि सारे लोग करवा ही रहे हैं, ठीक है, बिना हैंड्स ऑन के भी हमारी आवाम वो कोर्सेस कर ही रही है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए तो वो यही चाहिए, ठीक है। नियत करने की देर होती है, अगर आप करेंगे तो आप लोगों के लिए खुद ब खुद आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इवन आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तभी आपने किसी की हेल्प करनी है, आप आज से किसी की हेल्प कर सकती हैं, ठीक है, आप आज से किसी को गाइड कर सकती हैं, आपकी जब भी रोजी रोटी लिखी होगी तो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे की शायद जो है वो आज से स्टार्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी कह सकते हैं, दिस वाज द मेन थिंग, ठीक है, जो कि पर्पस को समझाने के लिए जो है वो बात करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक चीज हो गई ये। अब फिर एक और चीज यहाँ पे आती है, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका दिल साफ होता है, आपकी नीयत साफ होती है, इंटेंशन साफ होती है, ठीक है, हर चीज सामने है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम करवा रहे हैं आपको इसी तरीके से, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी आगे करेंगे, तो यहाँ पे आप सब हैं मुख्तलिफ जगहों से हैं, ठीक है, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ कहाँ से होंगे, ठीक है, हम लोग किसी को भी फिजिकली नहीं जानते हैं, बट देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है, जो कि बिल्डअप हो जाता है और आप लोगों में भी हो जाएगा जब तक आपकी इंटर्नशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो किसी के लिए कुछ करने का बायस बनना, ठीक है, और उसके बदले में अगर कोई आपको दुआ देता है, दुआ ना भी दे तो अगर आपको पीठ पीछे अच्छे अल्फाज में याद कर लेता है, तो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, एज फॉर मी लाइक मेरे लिए तो एटलीस्ट इतना ही बहुत है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इतना ही था आज के इंट्रो में, ठीक है, बहुत सारे मैंने कोशिश की कि इंटर्नशिप के अंदर जो कुछ होने वाला है वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं को कवर कर सकूं, बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो आहिस्ता 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 आप लोगों को वो चीजें पता लग जाएंगी। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग्स आपको सारी जो है वो ऑन टाइम मिला करेंगे, ठीक है, लाइक अभी के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं जो वो एज सुन एज पॉसिबल मेरी कोशिश होगी कि अपलोड हो जाए, क्योंकि फीमेल्स हैं यूजुअली अटेंड नहीं कर पाती हैं, बट आपने कोशिश यही करनी है कि आप अटेंड करें, अटेंडेंस को मेंटेन करें, ठीक है,
अगर मैं इतना अपनी हेक्टिक रूटीन में से टाइम निकाल रही हूँ, तो मुझे भी, मेरा भी यही है कि आप लोग भी आए और वन ऑन वन लें, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है हमारा लेक्चर के बाद भी। इसके अलावा जो है वो ग्रुप भी हफ्ते में एक मरतबा ओपन किया जाता है, उसमें आप सारे क्वेश्चन ड्रॉप करते हो, मेंटोर से आपको जो है वो जवाब मिलता है। इसके अलावा ये है कि फेसबुक का जो ग्रुप हमने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और कोई प्रमोशन एंड नथिंग एल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ जो लोग इंटर्नशिप या कोर्स में आते हैं वो क्या करते हैं कि उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं आप लोगों को पर्सनल पे तो सबको जवाब नहीं दे सकती, ठीक है? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि वहां पे अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स को जो है वो आपको टीम का मेंबर जो है वो जवाब दे देता है, ठीक है? वो एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको जवाब मिलता है। इसके अलावा आप लोगों की आपस में टीम बिल्डिंग हो जाएगी, आपकी आपस में कम्युनिटी बन जाएगी, पिछले बैच के लोग भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? और आप लोग जो मतलब न्यू बैचेस के हो, आपकी भी आपस में जो है वो एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है? तो सारे लिंक्स वगैरह जो है वो सब कुछ शेयर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको ऑन टाइम मिल जाएगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि अगर आपको कोई भी इश्यू है, कुछ भी है, काइंडली आप लोग पर्सनल टेक्स्ट करना अवॉइड करें, जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो और आपको लगे कि कहीं से भी इस चीज का मुझे आंसर नहीं मिल रहा, फेसबुक से कहीं से, एंड बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, तो फिर आपने मुझे मैसेज करना है या मैम उर्वा को मैसेज करना है। बिकॉज हमने जब इंटर्नशिप के प्रोग्राम में आप लोगों को एनरोल किया, लिटरली मेरा मैसेज, मेरा मैसेंजर जो है व्हाट्सएप का भी और मैसेंजर भी, दिस इज लाइक फ्लडेड विद मैसेजेस, ठीक है? इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि मैम कब होगा लेक्चर, कब होगा लेक्चर। तो डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है? हमें इस चीज का आइडिया है कि अगर 9 बजे लेक्चर है तो 4-5 बजे तक तो एटलीस्ट अनाउंसमेंट हो, वैसे एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाती है ताकि आप लोग मेंटेन कर सकें, ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरीके से अरेंज करना है। तो वो सब कुछ ऑन टाइम होगा और जल्दी ही आपका स्केड्यूल जो है बैच 2 का वो भी शेयर हो जाएगा, ठीक है? तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको बता दी जाएगी। अभी एक लड़की पूछ रही है नेक्स्ट क्लास क्या होगी, वो भी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मंडे से जो है वो हमारा ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा इन प्रोसेस है, ठीक है? चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, वो सारी चीजें जो है वो आपको बता दी जाएंगी। असाइनमेंट आपने कहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि असाइनमेंट के लिए जो लोग बना लेते हैं उनका होता है जी असाइनमेंट हमने सबमिट करना है, ठीक है? वो चीज भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो हर चीज जो है ना वो आपको बताई जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। बट आप लोग एटलीस्ट, मैं बाकी इंट्रोज में ये बात बोलना भूल गई हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप F5 है इसकी तरफ से अब मुझे कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब मुझे मैसेज आएगा तो आई विल चेक के F5 ग्रुप में से कौन है जिसने मुझे मैसेज किया है, उसकी खैर नहीं होने वाली है, ठीक है? तो आप लोगों ने मुझे मैसेज नहीं करना है जब तक के हत्ता बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो उस सूरत में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था, आई थिंक बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। अब मैं थोड़े बहुत जो है वो क्वेश्चंस देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? एंड वी हैव लाइक अराउंड 5 मिनट्स हैं, तो अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगी, मैंने आपको बोला एंड रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी ही सही। हाँ मैम, मैम ब्रांड का अप्रूवल हम लेंगे तो फायदा क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलें इसका जवाब यहीं पे दे देते हैं। अब आप एक चीज देखें कि आप लोगों की एक कंसर्न होती है जी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है? आप मुझे, आप एक बात बताएं, आप कोर्स करके आई हैं, ठीक है? कोई क्लाइंट आप आपके पास आया है, आपके पास उसको देने के लिए क्या है? लाइक वो कहता है मेरा ये अकाउंट है, इसको रनिंग में ला के दिखाओ। आपके पास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है? आपके पास ब्रांड अप्रूवल है? जब आपके पास देने को कुछ नहीं है तो आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर इस इंटर्नशिप के दौरान अगर आप एक दो अप्रूवल ले लेती हैं, आपके हाथों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं जिसका आपको पता है कि इसके पास प्रोडक्ट भी होती है, ये ओके है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा बुरा होता है, ईच एंड एवरीथिंग आगे लेक्चर में होगा, सब कुछ होगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास कुछ डिलीवर करने को होगा तो तभी आप अगले क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस पूछेगा, इनवॉइस क्या होती है, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ आगे है। आउटलाइन एंड कंटेंट ऑफ दिस, ऑब्वियस सी बात है ये स्केड्यूल है, ये आगे आगे जाके जो है वो आपको मिल जाएगा। जनरल कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, टाइमिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये सब कुछ जो है ना वो आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है? ड्यूरेशन 1 से 1.5 महीने की होगी और बाकी सब कुछ आपको बता देंगे। हाँ, क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, अभी आपके साथ लिंक सारे शेयर हो जाएंगे, ठीक है? FB के ग्रुप में जाके आपने पोस्ट करनी है, आपको वहां पे फौरन से जवाब मिल जाएगा जो भी आपका होगा। हाउ टू मार्क अटेंडेंस वो हम कर लेते हैं, अभी भी आप सबके नेम्स जो है वो मेरे पास हैं कि कौन कितना एक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आगे जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे ईच एंड एवरीथिंग, तो आई विल मेक श्योर कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्व करते हैं, मैं उन्हीं के साथ हर चीज शेयर करूंगी।
यस, एफबी का ग्रुप शेयर करना, ईच एंड एवरीथिंग अभी लेक्चर के बाद हो जाएगी। वीक में एक क्लास हुआ करेगी और क्यू एन ए उसके बाद ही हो जाया करेगा, ठीक है? तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो डोंट वरी। यस, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है? तो आज का सेशन जो है वो अच्छा था, एंड आई होप सो कि जो भी हमारी जो जो इंटर्नशिप में होने वाला है, मेन मेन चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? कि आगे हम लोग किस तरीके से मूव करेंगे, बाकी सब जिस तरीके से सेशन से स्टार्ट होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आई विल गाइड यू लाइक प्रॉपरली, ठीक है? डिटेल में हम लोग सारी चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड बस आज के लिए इतना ही था, और मेरा तारुफ इतना ही था, ठीक है? और बाकी आप लोगों ने एक चीज नहीं भूलनी है, और वो ये है कि इसके बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए, ठीक है? दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि मैं जो ये करवा रही हूँ इसके बदले में आपने मुझे क्या देना। सही हो गया? तो ये चीज, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।